मेरे प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में आपकी उपस्थिति के लिए आप सब लोगों को कैसे धन्यवाद देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज तो बड़ा त्योहार का दिन है, दशहरा है, तभी ये जो चुनाव का दौर है और कोरोना के चलते जो कम समय है चुनाव के लिए, मोबाइल गर्म हो गए, हर जगह तो जाना संभव नहीं है, लेकिन हर दिन कोशिश करना पड़ता है। आज भी आपके बीच में आज उपस्थित होने का मौका मिला है, मैं तो सबसे पहले बधाई आपको देता हूँ। और हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी, मैं तो सिर्फ आपसे यही अनुरोध करने आया हूँ कि हमने आप सबकी सेवा की है, आगे भी मौका दीजिएगा, आपकी सेवा करते रहेंगे। और हम लोग का लक्ष्य क्या रहा है, न्याय के साथ विकास, यानी समाज के हर इलाके का विकास, हर तबके का उत्थान, और जो तबका किनारे पड़ा था उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल। हमने किसी भी इलाके की उपेक्षा नहीं की और समाज के किसी भी तबके को नहीं छोड़ा। अब जो चुनाव का दिन आता है उसमें तो लोग तरह तरह की बात करते रहते हैं, कुछ लोगों की आदत है समाज में बात पैदा करने का प्रयास करना, हमको इन सब चीजों की चिंता नहीं है। हमने तो सबकी सेवा की है। आज समाज का कोई तबका जा सकता है कि उनकी उपेक्षा की गई, उनका ख्याल नहीं रखा गया, जो आशिये पर थे, जो किनारे पर थे, उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने काम किया। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो दलित महादलित आदिवासी हो, अति पिछड़े वर्ग के हो, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हो, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसमें सब लोग शामिल है, हर धर्म मजहब के लोग उसमें शामिल होते हैं, हम लोगों ने काम किया। कितने कम जनप्रतिनिधि हुआ करते थे महिलाओं में, आदि पिछड़ों की कौन इज्जत करता था, अनुसूचित जाति जनजाति को भी जगह नहीं मिला था। और हम लोगों को जब मौका मिला तत्काल हम लोगों ने कानून बनाया, सबको आरक्षण दिया, और इस देश में बिहार ही पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया और सबको आगे बढ़ाने की है। अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, अति पिछड़े वर्ग लोग 20%। आज सबकी कितनी इज्जत है, लोग पहले ध्यान नहीं करते थे महिलाओं का और पुरुषों का, साथ में काम करने का,
और आप ध्यान लीजिए कितना आपको विश्वास आया कितना मनोबल ऊंचा हुआ। और जब लड़कों ने भी मांग किया तो हमने लड़कों के लिए योजना शुरू कर दी, लेकिन आप सोच लीजिए कि अब लड़का और लड़की की संख्या बराबर हो गई, हाई स्कूल में भी बराबर हो गई, माध्यमिक विद्यालयों में, और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा थी इसमें लड़कों से थोड़ा ज्यादा लड़की ही शामिल थी परीक्षा में। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन आया। लोगों को जानना चाहिए एक एक चीज रोजगार के बारे में, बोलते हर प्रकार से हर तबके को उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। और एक चीज और देखा हमने, हम तो ये बात आपको मिडिल स्कूल हाई स्कूल का किए, प्राथमिक विद्यालय में भी बहुत सारे बच्चे बच्चियां स्कूल नहीं पहुंच पाते, और उसका हमने आकलन किया ये कौन है सबसे ज्यादा जो स्कूल नहीं जा पाते हैं 12.5% का होगा, तो उसमें यही पता चला कि सबसे ज्यादा या तो महाजन समुदाय के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, और उनको बाहर पढ़ा के स्कूल तक पहुंचाने के लिए हमने टोला सेवक प्रांति वर्कर स्वयं सेवक लगाया 30,000 की संख्या में, और जिनको काम किया उनके 60 साल की उम्र तक। आज ये सभी समुदाय के बच्चे बच्चियां अब स्कूल जाने लगे, अब स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे बच्चियों की संख्या न के बराबर है, ये स्थिति उत्पन्न हुई। तो आप एक एक चीज को देखिए, अपराध को नियंत्रण, शाम होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी घर से बाहर जाने, एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए सड़कों का इंतजाम नहीं, सबका बुरा हाल था, लेकिन आप लोगों ने जब काम करने का मौका मिला दिया हमने अपराध पर भी नियंत्रण किया। और एक बात ध्यान लीजिए, समाज में कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वाला रहता ही है, लेकिन इसके बावजूद अपराध पर इतना नियंत्रण हुआ कि अभी सबसे हाल में केंद्र सरकार का जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ पूरे देश का हर राज्य का, अब अपराध के मामले में बिहार 20वें नंबर पर चला गया, इतनी बड़ी आबादी का राज्य और इतना बड़ा राज्य, आप विकास का दर कितना बढ़ गया 12.8% हर साल, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि हर साल 10.5%। तो एक एक काम हम लोगों ने किया सर, स्कूल किया एक एक चीज का निर्माण, स्कूल का अस्पताल का निर्माण, एक एक काम करते गए। और इसके बाद जब आगे इस बार भी मौका मिला तो हमने क्या कहा, सात निश्चय की बात कही और उसका पूरे तौर पर पालन किया। हमने क्या कहा कि भाई हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्था, हर जिले में पैरामेडिकल संस्था, हर जिले में महिला आईटीआई, हर जिले में जीएनएम संस्था और हर सब डिविजन में एएनएम संस्थान और आईटीआई की स्थापना, इतने बड़े पैमाने पर की। और इस जिले में तो मेडिकल कॉलेज राजी के हर मेडिकल कॉलेज का महुआ का ही निर्णय हो गया, ये सब काम के लिए हम लोगों ने किया है। और हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज, कितनी बड़ी संख्या में शिक्षा का प्रबंध हर प्रकार से काम करते रहे। पहले मजबूरी में लोग बाहर जाते थे यहाँ पढ़ने के लिए, संस्थानों की बहुत कमी थी, और बताइए हम लोगों ने कितना बनाया साहब, कितने नए संस्थान बनाए, कितने नए कॉलेज और स्कूल खोले, एक एक काम, अस्पतालों का निर्माण, हर क्षेत्र में काम। तो इस बार जो हम बता रहे हैं आपको कि इस बार जो हम लोगों ने किया कि हर जिला का और हर अनुमंडल का वो काम किया, इसके अलावे बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए जो गरीबी के कारण आगे नहीं पढ़ पाते, उनके माता पिता उनको पैसा देने की स्थिति में नहीं है, तो इसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इंटर के आगे पढ़ने के लिए 4,00,000 तक की मदद, पूरे राज्य में कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने मदद लेकर आगे पढ़ने का काम किया है। और इसके बाद वो आगे नहीं पढ़ सकते, लेकिन काम की तलाश में घर के बाहर जाना, स्कूल
लोगों को भी, हम लोगों ने 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए का मदद स्वयं सहायता भत्ता योजना, और इसके बाद बच्चे बच्चियों को जो नई तकनीक के बारे में ज्ञान नहीं है, कंप्यूटर पर अगर काम करना नहीं आएगा तो उसको कोई काम नहीं मिलेगा। तो हमने कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की, इतने बड़े पैमाने पर शुरुआत की, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इसकी ट्रेनिंग की, युवक और युवतियों ने जो एक एक काम हम करवा रहे हैं, कोई चीज नहीं छोड़े है, हर प्रकार से हर तरह से काम करने का, महिलाओं को फिर सरकारी सेवा में और पुलिस बल में 35% का आरक्षण दिया। अब कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल में और अन्य सेवाओं में महिलाएं जा रही है, हर तरह से करते हुए क्या कहा था, बिजली का क्या बुला, शहर में भी बिजली ना मात्र की और गांव में तो बिजली का सवाल ही नहीं, लालटेन का जमाना रहा और हमने वादा किया कि हम बिजली पहुंचाएंगे, हर इस बार का हर घर हम बिजली पहुंचा दे। दिसंबर 2018 का लक्ष्य था, 2 महीना पहले बिजली पहुंचा दिया, अब हर घर बिजली पहुंच गया, अब इसके बाद और लोग बिजली ले रहे हैं, अब खेती के लिए भी बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, और आप समझ लीजिए अब लालटेन का खतरा लालटेन हर घर शौचालय, देश भर की योजनाओं बिहार में भी ये लगभग पूरा, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण गांव में अभी लगभग पूरा करा दिया, तो ये सब काम किया। और हम बराबर करते रहे हैं जहां भी गए हैं कि भाई अगर फूले में स्वास्थ्य से मुक्ति मिलेगी और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा तब आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, इसके लिए सब काम हम लोगों ने करवाया। और अब आप एक ही चीज, एक एक चीज को देख लीजिए, अब आप ध्यान दीजिए इसके आगे और हम काम करेंगे। अगर हम यहाँ के बारे में आपको बताएं, महुआ के बारे में हमने तो मेडिकल कॉलेज की बात कही, आपको तो हमने कुशल युवा कार्यक्रम की बात कही, अब उसमें 6,368 युवक युवतियों ने महुआ में प्रशिक्षण लिया, स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 2,566 युवक युवतियों ने लिया। एक एक काम देखिए, हर घर नल का जल, जो बोल रहे हैं कि 83% का काम हम पूरे बिहार का बता रहे हैं, अब आपका बता देते हैं कि 495 में से 468 वार्ड में काम पूरा हो गया, ये हम महुआ की बात आपको बता रहे हैं। इसके कुल जितने वार्ड हैं 495, उसमें 468 का काम पूरा हो गया, बाकी काम तेजी से पूरा होगा। और शहरी जिससे के तहत महुआ नगर पंचायत के सभी 16 वार्डों में काम पूरा हो गया, हर घर तक पक्की गली नाली 495 वार्ड में काम पूरा, शहरी निश्चय के तहत महुआ नगर पंचायत के सभी 16 वार्डों में काम पूरा। अब आप समझ लीजिए जो हम लोग बोलते हैं उसको करते हैं, और दूसरों की आदत है बोलते रहो, करने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को ठगते रहो, हमें करते रहो, ना करते रहो। और हम लोगों ने लोगों की सेवा की, और ध्यान लीजिए सारा विद्यालय संस्थानों की स्थापना, और एक चीज और हम बता रहे थे, बिजली से पटवन के लिए जो कृषि पीटा बनाया गया, वो कृषि पीटा आपके इस महुआ में, और इससे 1,109 किसानों को संपर्कता मिल गई। जो हम ग्रामीण सड़कों का पथों के निर्माण की बात करें, आपके यहाँ 99 ग्रामीण सड़कों में निर्माण काम पूरा कराया गया, लंबाई 200 किलोमीटर, 48 करोड़ रुपए की लागत से महुआ प्रखंड के मुजफ्फरपुर महुआ 15 किलोमीटर तथा महुआ पकड़ी डुआ चौक 16.5 किलोमीटर
मंच का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया और इसका अनुरक्षण जारी। और वैशाली ऐतिहासिक जगह है और इसके लिए हम लोगों ने जो विशेष काम किया है और सबको काम किया है, एक चीज को भूलिएगा नहीं, अपने पूरे जिले के मामले में वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय उसकी स्थापना हो रही है और उसके लिए हम लोगों ने 315 करोड़ रुपए का और हम दुआ करके काम शुरू और मर्यादा नियंत्रण कर रहे हैं। एक एक काम जान लीजिए, हमने तो सिर्फ आपको कुछ बातों की चर्चा कर दी है, हर चीज जो हम लोग सोचते हैं उनको करते रहते हैं और अगर इसके आगे आप मौका दीजिएगा तो अभी तो हर घर बिजली पहुंचा दिया, लेकिन अब आगे मौका मिलेगा तो अगली बार काम शुरू करेंगे तो पहला काम हम करा देंगे, हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट हम लोगों ने किया है सबका देखभाल प्रदर्शन करना और फिर गांव और शहर सबके साफ सफाई का काम। अभी सर्वे जारी ने गुजरात जीवन हरियाली अभियान की बात बताई, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना जरूरी है, अगर गांव में लोगों की सुविधा के लिए हम सब इंतजाम कर रहे हैं तो उसका न सिर्फ देखभाल बल्कि किसी भी तरह की गंदगी नहीं हो तो उसके लिए शहर और गांव सब में पूरा का पूरा इंतजाम करेंगे। अगले 50 साल तक लोग एकदम निश्चिंत होंगे कि कितना बढ़िया माहौल है, एक एक चीज को करने के लिए एक काम करेंगे। और एक बात और बता सकते हैं, अगली बार मौका दीजिएगा तो हम हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचवा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। और गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं, अब इसके बाद अगली बार लीजिएगा तो कई गांव को जोड़ते हुए महत्वपूर्ण सड़कों तक भी संपर्क स्थापित करवाएंगे और शहर में और बाजार सड़कों का चौड़ीकरण तो चल रहा है लेकिन इसके बाद किसी को दिक्कत न हो बाईपास भी बनवाएंगे और अगर कहीं बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां पर सड़क के ऊपर सड़क फ्लाई ओवर बनवा देंगे। तो एक एक प्रकार से आप समझ लीजिए, आज जो हम लोगों को आगे काम करने के लिए जो देते हैं अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता की स्कीम है, 5 लाख रुपए अनुदान और 5 लाख रुपया बिना सूद के कर्ज देते हैं हम लोग, ये काम हम सभी के लिए शुरू करवा देंगे ताकि कोई भी अपना काम करना चाहे तो वो काम कर सकेगा, दूसरों को भी रोजगार दे सकेगा। एक एक चीज हम लोगों ने मंच बना लिया, अगली बार आएगा और इस बार जान लेंगे कितने बड़े पैमाने पर महिलाओं में जागृति लाने के लिए हम लोगों ने जीविका समूह का गठन किया, कितनी जागृति महिलाओं को आई है, 10 लाख स्वयं सहायता समूह, 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं हुई। अब अगली बार मौका मिलेगा इससे भी ज्यादा और महिलाओं को, और जान लीजिए जब महिलाओं में इतनी जागृति आ रही है तो बिहार का विकास दर और आगे बढ़ेगा और बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा, तो ये तरक्की के लिए ये सब काम करेंगे। और अब तो आपके बीच में यही कहेंगे कि समाज में प्रेम का भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रहना चाहिए। हमने आज तक प्रारंभ से ही कहा है कि हम न क्राइम अपराध को न करप्शन भ्रष्टाचार को और न कम्युनलिज्म सांप्रदायिक दंगों को हम बर्दाश्त करते हैं, एकजुट होकर के समाज को एकता से जोड़ करके हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी काम में हम लोग सब लगे हुए हैं और आप सब लोगों का सहयोग मिला है, ये मामूली बात नहीं है और वैशाली ऐतिहासिक भूमि है, हमको आपका नमन करते इस धरती को प्रणाम करते हैं और इस ऐतिहासिक भूमि से लोगों को पता है कि बिहार का इतिहास
हमने पूरे बिहार को एक परिवार मानकर काम किया। कुछ लोग अपने घर के परिवार को, पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है, और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और सबकी सेवा करना हमारा धर्म। कितने प्रशिक्षित है, कितने सुझाव के चिकित्सक है, इनको तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी पत्रों से विधेयक बनाइएगा। ये पूरा काम करेंगे, पूरा मेहनत करेंगे। जब भी हमारी बातचीत हुई हमने देखा है कि इनको तो सिर्फ इलाके का विकास और लोगों को आगे बढ़ाने की बात ही है, मन में कोई बाया दाया बात नहीं है, और समाज में एकजुट होकर के प्रेम के साथ भाईचारे के साथ समाज को आगे बढ़ाने का मन का संकल्प है अपने इस बहन को। इसलिए हम आप सब लोगों से यही अपील करने आए, एकजुट होकर के सब लोग वोट दीजिए। अभी जो एक जगह और पहुंचना है, हम भाई अब उम्मीद रखे ना, मिलेगा ना इनको वोट, और आगे जाने की इजाजत चाहिए।